वो तो इन्होंने भेज दिया कि चलो बाल लगे थोड़ा खेलेगा कूदेगा देखेगा कैसे हो गया भाई, वो विदेश से पढ़ गया। वरना तो यहाँ तो तुम तो चलाते हो भगवान का मामला, मेरठ में बड़ौत में नदी नाले हमारी इच्छा से चलते हैं। आप सोनीपत की तरफ से आइए, मैं एक बार आ रहा था इधर से बाहर से घूम फिर के, तो वो यमुना जी पड़ती है ना, वहाँ दो कार लगाए खड़े थे टूरिस्ट, एक बंगाली परिवार एक पंजाबी परिवार। तो बंगाली बोला के तो भालो नदी बहता है, तो पंजाबी बोला किन्नी सोनी नदी बहंदी है। एक बड़ौत का भी था उससे पूछ लिया, बोले भाई साहब ये बहता है कि बहती है, बोले ना यो बहता ना बहती तो बह वह पता क्या कह रहा है। तो दुनिया जाती है प्रिंसिपल साहब, दुनिया जाती है इधर उधर, ये मेरठ है जहां आदमी जाता है इंगे उंगे। बोला कहां गया नुके इंगे गया भाई, अब ढूंढ ले पूरी दुनिया के इंगे कहां है, ज्योग्राफी का प्रोफेसर ढूंढ के दिखा दे कि इंगे कहां है। वो इंगे उधर है जिधर चौधरी का हाथ उठा के इंगे है, इसमें ना पूर्व चले ना पश्चिम चले, ये इंगे। अब ये हमसे कहते हैं कि हमने अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया और हम मुगलों से लड़े। देखो रे, जितना अंग्रेजों को नुकसान इस जिले ने पहुंचाया उतनी पूरी दुनिया ने नहीं पहुंचाया। अंग्रेजों को हमने वो, अरे तुम ऐसी ताली बजा रहे हो इकबाल सिंह, बात तो सुन ले यार, रैली थोड़ी चौहान साहब के बिना सुने, हमारी बात सुनो अभी। देखो हमने अंग्रेजों को वो नुकसान पहुंचाया कि अंग्रेज आज तक डेंट पेंट नहीं करा पाए। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, मेरठ में हम लोग पिछले 63 साल से अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं किधर कूद के मराए। चौधरी कितना बड़ा हो जा, कितने चक्की खेती हो जा, रात में उसके जब दावत होती है तो बैरे से छोरों से ये कहता, दिखे रहे लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को लगाओ, ये मात्रा कहीं चढ़ती हो तो चढ़ा के बताओ। बोला आप, ये अंग्रेजी हमारी है, सुधार ले। ऐसा पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, शरीर के अंग पूरी अमेरिका ढूंढ रही है कि शरीर में कहाँ, मिल ही नहीं रहे। आप छपरौली के आसपास के किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाओ सरकार के में, अब वहाँ जो शरीर के अंग का चैप्टर होता है ना जिसमें आदमी काट के चिपका दे मास्टर जी, वो नीचे से पता है तो उन्होंने बताया MOUTH माउथ, माउथ माने थूथड़ा। ले ढूंढ ले, अमेरिका ढूंढ रही है कहाँ लगा हुआ है हमारे। तो हम अपनी मस्ती के लोग हैं, अपने आनंद में जीने वाले, और हमारी हस्ती इसलिए कायम है क्योंकि हमारी मस्ती कायम है। हमारी भाषा खराब हो सकती है, हमारी भाषा खड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरे पश्चिम। अब मैं मीडिया के मित्र आए बहुत दिन बाद कोई ढंग की चीज कवर करने, आप लोग भी बैठ जाओ, वरना नहीं तो इनके यहाँ तो चैनल पर तो यही चलता रहता, आधे टाइम तो ये कुत्ते बिल्ली दिखाते रहते हैं, आधे टाइम ये नेता दिखा देते हैं, और लोग भी ये सोच के देख लेते हैं कि चलो कुत्ते बिल्ली तो यही ठीक है, नहीं देख लो यार क्या करना, एक ही काम लगा हुआ है इनके यहाँ। तो हमारी मस्ती इसलिए गायब है क्योंकि हम सरल लोग हैं, सहज लोग हैं। तब मैं, और तुम तो अच्छे पढ़ लिख गए मथुरा में, हमारे यहाँ तो शिक्षा भी ऐसी होती है। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था चौहान साहब पिलखुए में, वो तीसरी क्लास में हिंदी के मास्टर जी ने ऐसी हिंदी पढ़ाई कि मैंने अंतिम प्रणाम कर लिया, 3 दिन तक छुट्टी ली। अब वो गुरु जी बोले, बोले राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए। मैं 3 दिन तक तनाव में रखा, ये कौन सी बीमारी है कि ये वार मर ही गया भाई। मैं 3 दिन बाद गया, मैंने गुरु जी बोले भाई क्यों नहीं आया, मैंने कहा जी वो राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप कैसे मर गए। बोले बेटा राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब ये है कि राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले अब का तीसरा मर गया भाई, ओरिजिनल नहीं मर रहा, बाकी सब मरे जाले जा रहे हैं यार, ये क्या। हमारे यहाँ 9वीं में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, डॉक्टर साहब हम तो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे, आपने भी इंजीनियरिंग की है, मैं भी REC में था, वो ट्रिग्नोमेट्री बड़े प्राण लेती है। मान लो बाप की मान नहीं रहे तेरी, मान लें अच्छा अंकगणित उसका भी बाप, 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे भाई, जब खेत एक बार जोत लिया ये बताओ इसे कदलों जोतोगे भाई, बात तो हद हो गई यार, ताली वाली कम बजा रहे बच्चों, मजा नहीं आ रहा बात में। तो ये बताओ इसे कब तक जोतोगे, अब